अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर में या लैपटॉप में जब विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो उसके इंस्टॉलेशन का पूरा तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो कोशिश करूंगा कि वीडियो कम से कम टाइम में बने, इसलिए मैं बीच में वीडियो को पॉज कर दूंगा। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इस वक्त मैं इस कंप्यूटर को चला रहा हूँ तो इसकी जो विंडोज़ है वो करेक्ट है। अच्छा, विंडोज़ करप्ट कैसे होती है, उसका तरीका कैसे पता लग सकते हैं, अभी आप इसको शुरू में देख सकते हैं। अभी जो विंडोज़ जैसी अगर स्टार्ट होगी तो उसके बीच में ये कट होकर दोबारा कंप्यूटर को स्टार्ट कर देगी। तो इसका मतलब है कि इसकी जो विंडोज़ है वो करप्ट है। तो इसको विंडोज़ हम कैसे स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान तरीका है। अच्छा, सबसे पहले आपने करना क्या है कि जो आपके पास एक विंडोज़ की जो DVD होती है, ये जिस तरह मेरे पास ये विंडोज़ 7 है और इसकी जो है ना और DVD मैंने निकाल के रखी हुई है, रही इसकी, इसको आपने DVD पे में डाल देना। इसके बाद पहले आप कंप्यूटर को बंद कर दें, स्विच ऑफ कर लें, उसके बाद दोबारा स्टार्ट करें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, जब इसको आप फर्ज को ये DVD मैंने डाल दिए, अभी कंप्यूटर को मैं एक दफ़ा बंद कंडीशन में कर लेता हूँ, ये भी ऑफ कंडीशन में आ गई। अच्छा, कंप्यूटर को हमने स्टार्ट करना है तो उसको हमने बूटेबल करना है। सबसे लाजिम चीज़ ये है, बूटेबल यानी सबसे पहले जो बूट करेंगे वो हम DVD ROM से करेंगे। तो उसका आसान तरीके है, आपने ये F12 का बटन दबा के रखना है, मतलब दबाते रहना है और जब तक एक मेन्यू आएगा हमारे पास। ये मेन्यू आ गया हमारे पास, ये देखिए सबसे ऊपर जो है AHCI, उसके बाद HDD मतलब हार्ड डिस्क, के सेकंड नंबर पे CD ROM है, AHCI CD ROM, इसको हमने सेलेक्ट करना है। ये इसमें कीबोर्ड में जो एरो की होता है इसको हम नीचे करेंगे तो उसमें ये नीचे आ गया। ये जैसे मैंने एरो ऊपर किया तो ऊपर चला गया, नीचे किया वापस नीचे आ गया। ये कीबोर्ड में एरो की कहलाते हैं। तो हमने इसमें DVD ROM को सेलेक्ट करके इसको एंटर दबा देना है। हमने एंटर दबा दिया, अब ये आगे ऑप्शन है, इसको जल्दी से आपने एंटर दबा देना है। ये प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD या DVD, जैसे आएगा आपने कोई भी बटन दबा देना है। आप बोले इसमें स्पेस दबा दे, एंटर दबा दे, मतलब जो 5 डॉट है उसके पूरे होने से पहले पहले आपने उसमें बटन दबा देना है। तो उसके बाद ये मतलब ये शुरू हो जाएगा। अभी इस वक्त ये बूट हो रहा है DVD ROM से, जो मतलब इसमें हमने डिस्क डाली है CD या DVD, उससे बूट हो रहा है। और फंक्शन हमने ये करना होता है कि हम DVD ROM में जाकर मतलब हार्ड डिस्क से निकल जाते हैं, ताकि हम उस हार्ड डिस्क के अंदर कोई पार्टीशन बना लें, उसमें हम कोई ड्राइव फॉर्मेट करें या डिलीट करें, न्यू पार्टीशन बनाएं, वो हम सारा प्रोसेस इसमें फिर कर सकेंगे। सबसे पहले हमें हार्ड ड्राइव से निकलना पड़ता है और हमें मतलब DVD ROM से बूट करना पड़ता है। इसके अलावा आप USB से भी कर सकते हैं। अगर आपने USB में जो है ना विंडोज बैकअप रखी हुई है जिससे आप इंस्टॉलेशन करते हैं, तो उस वक्त आप भी ऐसा कर सकते हैं, उस वक्त DVD की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमारे पास जो सबसे पहला मेन्यू आया है बूट करने के बाद, इसको आपने सिंपल नेक्स्ट कर देना है आसानी के साथ। माउस पहले इस्तेमाल करता हूँ, ये आ गया, फिर मैंने नेक्स्ट किया। भले आप माउस से कर लें आपको आसानी होगी, समझे एक्सपर्ट है उनको तो माउस की जरूरत नहीं होती है, वो डायरेक्ट कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से देखें ये आई के नीचे निशान आ रहे हैं और मतलब ये है कि आज और आई दबाएंगे तो ये इसको क्लिक कर लेगा कीबोर्ड के जरिए। अच्छा, अभी हमारे पास आज ही से स्टार्टिंग आ रहा है। अच्छा, जो भी मेन्यू आया है वो हमें खुद ही गाइड करते जाते हैं आगे ले जाने के लिए, तो हमें उसको देख के फॉलो करना पड़ता है। अभी हमारे पास सारे ऑप्शन आ गए, जो ये नीचे है X86, इसका मतलब है कि विंडोज 32, और X64 का मतलब है कि विंडोज 64। तो हम विंडोज अल्टीमेट करते हैं 32 बिटवाली, यानी X86, इसको हम नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, इसको भी हम नेक्स्ट करते हैं। राणा मोबाइल। अच्छा, अभी जो हमारे पास ये मेन्यू आ गया, इसको हमने इंस्टॉल ए न्यू कॉपी करना है। नीचे भर दिया, ऊपर वाले को छोड़ दें, नीचे वाले करना है इंस्टॉल ए न्यू कॉपी। तो ये हमने कर दिया। ये अभी हमारे पास इसके पार्टीशन शो गए, जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो नीचे 129 GB का और सेकंड पे जो है 19 GB, मतलब ये कि 20 GB का। तो हम कर देंगे क्या,
इन दोनों को एक दफ़ा डिलीट कर लेंगे, पहले इसको कर लें, इसको आपने सिलेक्ट किया, ये एडवांस में चला जाए, ये डिलीट कर दें, एक पार्टीशन डिलीट हो जाए, अभी इसको भी डिलीट कर लेते हैं। अच्छा, जो भी पहला पार्टीशन है इसी को हम दोबारा नया बनाएंगे। अच्छा, नीचे वाले को आप नीचे ना, हो सकता है कि किसी के हार्ड डिस्क में या आपके हार्ड डिस्क में डेटा हो तो आपका डेटा उसमें बचा रहेगा। अगर आपने पूरा ही खाली करने है, मतलब आपको डाटा की ज़रूरत नहीं, आप कहते हैं कि पूरा कंप्यूटर दोबारा फ्रेश हो जाए, तो फिर भले आप इसको भी डिलीट कर लीजिए। चलो मैं आपको इस वीडियो में दिखा भी देता हूँ कि इसको हम डिलीट कर लेते हैं, लेकिन इसमें मेरा एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है तो इसको मैं डिलीट नहीं कर पाऊँगा, मैं इसको मैं भी छोड़ देता हूँ। छोटा सॉफ्टवेयर है तो क्या करते हैं इसको, इसी को हम आगे फॉलो करते हैं। सिंपल आसान है, इसको सिलेक्ट करेंगे, पूरा डिलीट करेंगे, ये हो जाएगा। और फिर हम दोबारा जब क्रिएट करेंगे तो हम पहले पार्टीशन बनाएंगे और 20 GB का बनाएंगे। अभी हम इसी को मतलब 20 GB का करते हैं, जब सिलेक्ट की हो रही है नेक्स्ट कर दिए, बस इतनी सी मतलब इसमें तरीक़ेकार था जो हमने कर लिया, बिल्कुल इजी था। और आपने भी देख लिया तो समझ ले भी हमारे भी जो विंडोज़ की इंस्टॉलेशन थी वो रेडी हो गई है, और इसमें कोई मुश्किल नहीं थी, बिल्कुल आसानी से स्टार्ट हो गई। अभी ये खुद ब खुद पूरा होता रहेगा, परसेंटेज वजह 100 तक जाके उसमें 3-4 दफ़ा कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा, और अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे वो खुद भी रिस्टार्ट हो जाएगा। तो आखिर में फिर जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद ये यूज़र नेम मांगेगा, फिर पासवर्ड लगाना तो पासवर्ड मांगेगा, और उसके बाद टाइम सेट करना तो वह सेट कर लेंगे। तो जब तक हम वीडियो को पॉज कर लेते हैं और जाके चलता जाएगा, बीच में भी आपको चलो मैं थोड़ी सी इसमें वीडियो दिखा दूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। इस वक्त टाइम देगा जब 0% में, उस वक्त आपने परेशान नहीं होना, ये अपना DVD को ये चला रहा होते जिसमें हमने DVD डाली हुई थी, और ये इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है। आप ऊपर देखें इंस्टॉलिंग विंडोज़, तो ये बहुत आसान तरीका है। आप अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में या आपके जानने वाले किसी का भी कंप्यूटर हो, आप उसमें बिल्कुल आसानी से खुद ही विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें USB से इंस्टॉल करते हैं, और फिर अलग से एक और वीडियो बना लेंगे जिसमें USB में विंडोज़ कैसे डाली जाती है, ताकि फिर आप USB को एज अ विंडोज़ इस्तेमाल कर सकें, जिससे आप विंडोज़ इंस्टॉल कर सकें। अच्छा, इसके अलावा मैं चाहूँगा कि कंप्यूटर के बारे में या मोबाइल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है जितनी मैं शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ में शेयर करता जाऊँगा, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको मालूमात में प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पर हम वीडियो को पॉज करते हैं ताकि इसको हम टाइम को ज़ाया होने से बचाएं। अच्छा, अभी आप इसमें देख सकते हैं कि जो इसकी परसेंटेज है वो आगे बढ़ना शुरू हो चुकी है, और खुद ब खुद इसमें आगे बढ़ रही है। तो ये आप बस इसका इंतज़ार करते जाइए, खुद ही आगे मतलब चलती जाएगी। तो अभी हम इसको दोबारा पॉज करते हैं और इसको चलने देते हैं। अच्छा, अभी भी आप इसमें देख सकते हैं कि वो नीचे तक आ गया है, और मज़ीद ये खुद ब खुद इसको इंस्टॉल करता जा रहा है। तो इसका आपने जस्ट इंतज़ार करना है, वेट करते रहे बस। अच्छा, इसमें अगर आप इंटर दबा देंगे तो भी ठीक, नहीं दबाएंगे तो खुद ब खुद इसको रिस्टार्ट कर देगा। अभी ये पहली दफ़ा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो रहा है, इसका सिर्फ वेट करें और ये खुद ही आगे से सेटअप चलाएगा। इस वक्त आपने दोबारा बूट नहीं करना, मैं दोबारा कहना चाहूँगा कंप्यूटर को दोबारा बूट नहीं करना। बूट का मतलब जो हम DVD या CD या USB से बूट करते हैं, वो हमें सिर्फ पहली दफ़ा ज़रूरत पड़ती है बूट करने की, और उसके बाद वो उसमें जो शुरू की फाइल इंस्टॉल हो जाती है तो उसको फिर हम हार्ड डिस्क से चलाते हैं, यानी सिंपल चलाते हैं, उसको बूट नहीं करते। तो दूसरी ज़बान में हम ये कह सकते हैं कि हम इसको हार्ड ड्राइव से बूट करते हैं। अच्छा, इस बूट करने के हवाले से भी मैं अलग से एक और वीडियो बना लूँगा, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाइड कर सकूँ। और उसके अलावा कंप्यूटर के हार्डवेयर से मुतल्लिक मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मालूमात देने की कोशिश करूँगा, और इस पर मैं एक तफसील से वीडियो बनाऊँगा या अलग अलग वीडियो बना लूँगा जिसमें मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ कि कंप्यूटर में जो है ना चीज़ें किस तरह से लगाई जाती है, किस तरीके से उनको चेक किया जाता है, और क्या ख़राबी आती है, उसको किस तरीके से निकाला जाता है, उसको सही करने का तरीका, ये सारे के सारे हम उसमें डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के हवाले से। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को और वीडियो बनाऊँगा।
आप कमेंट कीजिए, आपको जो उसमें रिक्वायरमेंट हो बताते जाए ताकि मैं उस पर वीडियो बनाता जाऊँगा। अच्छा, ये अभी जो विंडोज इंस्टॉलेशन का सेटअप है वो आगे बढ़ रहा है, तो इसको आपने सिर्फ वेट करना है। एक तरफ कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है और आगे इसको खुद ब खुद जाने देने, इंतज़ार करना है सिर्फ, आपने और कुछ भी नहीं करना है। और अभी हम वीडियो को यहाँ पे पास कर देते हैं। अच्छा, कुछ देर के बाद ये आपके पास मेन्यू आ जाएगा, सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर द स्टार्टिंग, तो इसके बाद खुद ब खुद कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा और आगे इसको हम जाने देंगे, उसको बस सिर्फ वेट करें। अच्छा, दो दफ़ा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो चुका है ये, और ये होते हैं जब भी आप विंडोज स्टार्ट करते हैं, दो तीन दफ़ा चार दफ़ा उसमें रिस्टार्ट होता है, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वेट करते हैं। अभी कुछ सेकंड ये यहाँ पर लग जाएंगे, तो थोड़ा सा इसको वेट करेंगे, हम वीडियो को पास कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास मेन्यू आया है वो ये वाला है, तो यहाँ पर हमें सिंपल नाम लिखना है, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, कीबोर्ड पे आप नाम लिखे, इसमें उस पर नाम लिखे जा रहे हैं। इसको आप नेक्स्ट कर दें, और उसके बाद ये भले आप माउस से कर लें अगर आपको मुश्किल हो रही है, तो इसको नेक्स्ट कर दें, इसको भी भले नीचे वाले दबा दें, आस्क में बैठे अच्छा टाइम पर आ गया, इसमें आप अपना कर लें, जैसे मैं इसमें कराची से आप करता हूँ। इसमें पाँच नंबर जो है फाइव कैसे इस्लामाबाद कराची, इसको मैंने किया और ये हमें इसको नेक्स्ट कर लिया, इसका भी वेट करना है। और ये आगे समय भी हमारे विंडोज पूरी इंस्टॉल हो गई है, अभी इसके बाद फिर एक दफ़ा स्टार्ट हो जाएगा कंप्यूटर। अच्छा, इसके बाद अभी कंप्यूटर खुद बहुत दोबारा भी स्टार्ट हो गया है, तो हमने उसमें नाम एंटर किया था और टाइम वगैरह सेट किया था, या हमारा जो एरिया वो सेट किया था, और अभी हमारी जो विंडोज़ की इंस्टॉलेशन वो कम्प्लीट हो चुकी है। अभी आप पहले इसकी पूरी वीडियो वो निकाल दें, ये लेनोवो का निशान खुद खुद इसमें आ गया, जो पी सी है ये लिनोवो का है, लिनोवो कंपनी ब्रांड है। ये समझ लिया अभी हमारी यहाँ तक वीडियो भी पूरी हो गई, क्योंकि विंडोज़ की जो इंस्टॉलेशन है पूरी हो चुकी है, तो मैंने कोशिश की इसमें आपको आसानी से समझा सकूँ वीडियो इंस्टॉलेशन का तरीका। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और इसके अलावा अगर आपको कंप्यूटर से मतलब कोई भी मसला है या लैपटॉप में कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, ताकि उसको मैं आपको या तो गाइड कर दूँगा, या उसको आप अगर वीडियो चाहिए तो आपको वीडियो बना के दे दूँगा, ताकि आप इसको मसले को भी हल कर सकें और